गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन श्री बी एल मेमोरियल अकेडमी स्कूल कैरो ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेरी फिट एंड फाइन। टुडे वी विल स्टार्ट ओवर चैप्टर नंबर 3, स्वे लाइक अ स्विंग, झूले की तरह झूलना। नाउ लेट्स स्टार्ट, नो दीज वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज स्विंग, स्विंग स्विंग मतलब झूला। सेकेंड है प्लीजेंटेस्ट मतलब सुखद। कैटल, कैटल यानी पशु। कंट्रीसाइड यानी ग्रामीण इलाका। नाउ स्टार्ट एक्टिविटी। यू ऑल मस्ट हैव बीन टू पार्क्स एंड हैव एन्जॉय डिफरेंट स्विंग्स। आप बहुत सारे पार्क्स में गए होंगे और अलग अलग तरह के झूले झूले होंगे। रिकॉल योर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव बताइए। टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर इफ रिक्वायर्ड टू राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। जो आपको स्विंग्स दे रखे हैं, झूले दे रखे हैं, ये कौन कौन से स्विंग्स है। फर्स्ट स्विंग कॉल्ड स्लाइड। फर्स्ट कौन सा है, ये फर्स्ट स्विंग कौन सा है, स्लाइड। सेकंड कौन सा है, सी एन सा। सेकंड जो ये झूला है इसको क्या बोलते हैं, सी एन सा। थर्ड मैरी गो अराउंड। दिस स्विंग इज स्लाइड, सेकंड सी एन सा, एंड थर्ड मैरी गो अराउंड। ओके लेट्स स्टार्ट पोएम टाइम। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। आपको कैसे पसंद होगा जब आप स्विंग झूला झूलेंगे। अप इन द एयर सो ब्लू। अप यानी ऊपर, यूपी अप यानी क्या होता है, ऊपर। द एयर, एयर यानी हवा। सो ब्लू, हवा का कोई कलर होता है क्या? हवा का कोई कलर नहीं होता है, लेकिन पोइट कौन है जिन्होंने ये स्टोरी, ये पोयम लिखी, उन्होंने इस उन्होंने जो एयर को कैसा कलर कहा है, ब्लू। कि जब आप जब स्विंग करेंगे, जब आप झूला झूलेंगे, हवा के अंदर आप जाएंगे, तो आपको सारा आसमान कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा। ओ आई डू थिंक इट इज द प्लीजेंट थिंग्स एवर अ चाइल्ड कैन डू। ओ आई किसके लिए यूज हुआ है, या आई किसके लिए यूज हुआ, पोइट के लिए यूज हुआ। थिंक यानी सोचना, कि बहुत ही सुखद सोचना होगा कि एवन अ चाइल्ड, चिल्ड्रन ने बहुत सारी चीज़ें की होगी, लेकिन जो झूला झूलना होता है वो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। अप इन द एयर, अप यानी क्या होता है, ऊपर। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल। जब हम झूला झूलते हैं, जब हम ऊपर की तरफ चलते झूले पर जाते हैं, तो हमको हम जब ओवर द वॉल मतलब जब हम दीवार से भी ऊपर की तरफ स्विंग करते हैं, टिल आई कैन सी इट सो वाइड, जब तो मैं उस समय क्या देखता हूँ, रिवर एंड ट्रीज, नदियाँ दिखती है, ट्रीज यानी पेड़ों को देखते हैं, एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। और जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, कैटल यानी घरेलू जो पशु होते हैं, जैसे काउ, कैट, डॉग, गॉट, एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। तो कंट्री साइड मतलब ग्रामीण इलाका, टाउन से भी बाहर का जो इलाका है वो हमको दिखाई देता है। इसके अंदर पोइट ने कहा है कि जब झूला झूलते वक्त स्विंग करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तब दीवार से भी जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या दिखाई देता है, रिवर दिखाई देती है, नदियाँ दिखाई देते हैं, ट्रीज यानी पेड़ दिखाई देते हैं, कैटल्स यानी पशु दिखाई देते हैं, और कंट्री साइड मतलब ग्रामीण का इलाका दिखाई देता है। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, जब मैं नीचे की तरफ देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, ग्रीन कलर का गार्डन। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, जब डाउन नीचे की तरफ और देखते हैं तो और क्या दिखता है, रूफ दिखती है, छत दिखती है, ब्राउन कलर की जो छत होती है वो दिखती है। अप इन द एयर मतलब हवा में ऊपर। आई गो फ्लाई अगेन, अगेन यानी बार बार ऊपर नीचे हवा के अंदर फ्लाई करना। अप इन द एयर एंड डाउन, जब झूला झूलते हैं तब ऊपर की तरफ जाना, वापस नीचे की तरफ आना, वापस अप यानी ऊपर की तरफ जाना, डाउन यानी वापस नीचे की तरफ आना। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, इस पूरे पोएम के अंदर पोइट ने ये कहा है कि जब झूला झूलते हैं बच्चे, तो जब ऊपर की तरफ वो जाते हैं तो उनको वॉल, जब वो दीवार के भी ऊपर की तरफ और झूला झूलते हैं तो उनको क्या क्या दिखाई देता है, उनको रिवर्स दिखाई देती है, पेड़ दिखाई देते हैं, पशु दिखाई देते हैं, और कंट्री साइड मतलब ग्रामीण इलाका पूरा उनको दिखाई देता है। और जब वो नीचे देखते हैं तो उनको ग्रीन कलर का गार्डन दिखाई देता है, रूफ यानी छत दिखाई देती है ब्राउन कलर की।
ये जो पोएम है उसके पोइट कौन है? रॉबर्ट लुई स्टेवनसन। कौन है इस पोएम के राइटर? रॉबर्ट लुई स्टेवनसन। अब है न्यू वर्ड्स टू नो। स्विंग, स्विंग यानी क्या होता है? झूला। टू मूव बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, आगे और पीछे होना। फिर सेकंड है प्लीजेंट टेस्ट यानी मोस्ट चीयरफुल काउस, बहुत ही सुखद, बहुत ही खुशी वाली बात। कैटल यानी डोमेस्टिक एनिमल, जो घर में हम एनिमल्स को, जानवरों को पालते हैं, वो कौन से एनिमल्स कहलाते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स। कंट्री साइड एरिया आउटसाइड सिटी और टाउन, हमारे सिटी के बाहर की तरफ का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? कंट्री साइड। उसका मतलब क्या होता है? कंट्री साइड। ये हमारी पोएम हो गई है कंप्लीट। आपको अच्छे से वापस इस पोएम को रीड करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी जो भी होगी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।